प्यारे छात्र छात्राओं, मैं अशोक कुमार शर्मा, प्रिंसिपल राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, सब्जेक्ट कोड 105, यूनिट फर्स्ट, ई लेक्चर के तहत आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसा आपको विदित है कि कंप्यूटर सामान्यतः विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सामान्य जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं वो सभी तरह की समस्याओं का निराकरण करने के लिए काम में आते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा बिजनेस की प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व की जा सकती हो, इनको हम सामान्य श्रेणी में लेते हैं। इनके द्वारा न्यूमेरिकल मेथड और ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा प्रॉब्लम हल की जाती हैं। जैसे इनके उदाहरण हैं IBM 360 है, 370 है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर जो कि स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं। जैसा कि इनका नाम है, विदित है कि स्पेशल मींस कोई स्पेशल तरह की समस्याओं का निराकरण करने के लिए काम में आते हैं। ये एक स्पेशल एल्गोरिथम पे काम करते हैं, एक स्पेशल समस्याओं के लिए लिखे गए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के आधार पर काम करते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग का तापक्रम कंट्रोल करना है, जैसे शिप के कंप्यूटर हैं, एयरप्लेन के कंप्यूटर हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम हैं जिनके जो विशेष कंडीशंस में ही कार्य करती हैं, इस तरह के कंप्यूटर जो विशेष प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, विशेष समस्याओं के निराकरण काम में आते हैं, उनको हम लोग विशेष कंप्यूटर बोलते हैं। नौसैनिक उपकरणों को कंट्रोल करने के रूप में, प्लेन को कंट्रोल करने के रूप में, तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, इनको डिस्क्रीट कंप्यूटर भी हम बोलते हैं। यानी इस तरह के कंप्यूटर जो कि बेस हैं 0-1 पे आधारित हैं, यानी 0-1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी डिजिटल का मतलब है डिजिट से मतलब है 0 और 1, बाइनरी 0 और 1 के द्वारा ही इनके द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो सामान्य कंप्यूटर की भांति सभी तरह की समस्याओं, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो, रिसर्च प्रॉब्लम हो, उनको सॉल्व करने के लिए काम में आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में जैसे सामान्य श्रेणी में आते IBM 360, 370। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर मेजर्स वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि भौतिक चरणों की अनुरूपता पर आधारित हैं। अतः इससे अंकगणित गणनाओं के समय की बचत होती है, इनकी स्मृति न्यून है। एनालॉग कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पूर्णतः शुद्ध नहीं होती, कार्यप्रणाली समस्या के गणितीय एनालॉग पर आधारित होती है। इनकी प्रोसेसिंग गति अत्यधिक तीव्र होती है लेकिन परिणाम पूर्णतः शुद्ध नहीं होते, क्योंकि भौतिक राशि ताप, दाब, आर्द्रता आदि पर निर्भर होते हैं। पूर्णतः शुद्धता मापना अत्यधिक कठिन है, एनालॉग वैल्यू होने के कारण इनको पूर्णतः नापना मुश्किल है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग सामान्यतः अभियांत्रिक समस्याओं, वैज्ञानिक समस्याओं के हल के लिए, इनके द्वारा व्यापक गणनाएं संभव नहीं है, तथा प्रोसेसिंग के उपरांत परिणाम ग्राफिक्स के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का दोनों के कॉम्बिनेशंस होता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एनालॉग प्रॉब्लम एनालॉग कंप्यूटर सॉल्व करता है और डिजिटल प्रॉब्लम को डिजिटल कंप्यूटर सॉल्व करता है। ये जो हैं हाइब्रिड कंप्यूटर सिमुलेशन आदि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में आते हैं। इनका उपयोग एरोस्पेस वगैरह में किया जाता है। प्रोसेसिंग मोड के आधार पर कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं, जैसे बैच प्रोसेसिंग है, रियल टाइम प्रोसेसिंग है, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग है, सिंगल यूज़र सिस्टम है। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या करता है, जो कंप्यूटर होता है वो बैच के रूप में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बैच हो सकता है 1 घंटे में बन जाए, 2 घंटे में बन जाए, 1 दिन में बन जाए, यानी प्रोग्रामों की जो निश्चित जो प्रोग्राम हैं जो एक बैच के रूप में सॉल्व होते हैं, अगर उनकी संख्या 1 घंटे में पूरी हो जाती तो 1 घंटे के बैच के रूप में सॉल्व हो जाते हैं।
इस तरीके से बैच के रूप में प्रोसेस होती हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक के बाद दूसरा प्रोग्राम संपन्न होगा। एक उपयोगी का कंप्यूटर पर तब तक नियंत्रण रहता है जब तक कि वह अपनी समस्या को पूर्ण रूप से हल नहीं कर लेता। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बड़े प्रोग्राम जिनके प्रोसेसिंग में अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है के लिए उपयोगी साबित होते हैं, जैसे बिल तैयार करना, वेतन तैयार करना, ये बैच प्रोसेसिंग के हैं। इसके बाद आता है रियल टाइम। इस प्रकार के सिस्टम के अंतर्गत समस्या दिए गए समय में निश्चित रूप से हल हो जानी चाहिए। इस प्रकार की प्रोसेसिंग का प्रयोग अत्यधिक तीव्र गतियुक्त समस्याओं के हल हेतु किया जाता है। उदाहरण के रूप में कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित परमाणु रिएक्टरों में सेकंड का भी रोल होता है, इसलिए परमाणु रिएक्टरों के कंट्रोल में, मिसाइल कंट्रोल में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में एक से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और सर्वर से एक से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। यानी सपोज करो ए बी सी डी चार कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो इन चारों में समय का बराबर आवंटन कर दिया जाता है। पहले एक ही समस्याओं का, एक ही प्रोग्राम का सॉल्व होता है निश्चित अवधि में, अगर कुछ पार्ट रह जाता है तो नेक्स्ट टाइम में होता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब जिसका समय आता है उसकी प्रोसेसिंग होती रहती है। सभी टर्मिनल यह सोचते हैं कि कंप्यूटर केवल मेरे साथ लिंक है, जबकि ऐसा नहीं है। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है कि वो एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण करता रहता है। टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग का उपयोग वैज्ञानिकों में, अभियांत्रिकी में, शिक्षा, रिसर्च आदि में संभव है। इसके बाद है सिंगल यूज़र सिस्टम। सिंगल यूज़र सिस्टम में क्या होता है कि यूजर है जो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अकेला इस्तेमाल करता है, इसलिए सिंगल यूज़र सिस्टम कहलाता है। जैसे प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, मेमोरीज हैं, उनका केवल एक टाइम में एक ही यूज़र इस्तेमाल करे तो वो सिंगल यूज़र सिस्टम कहलाता है। साइज एंड कॉस्ट के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, छोटे कंप्यूटर होते हैं, इनको हम लोग डेस्कटॉप भी कहते हैं, कंप्यूटर में सिंगल सिलिकन चिप भी कहते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर सभी संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इनका ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, इनका लगातार उपयोग बढ़ रहा है। इनके आने के बाद ये आम पब्लिक के लिए कंप्यूटर हो गया, यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर हैं, सभी तरह की समस्याओं का सॉल्व करते हैं। और जनरली जो साइंटिफिक है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, इन सभी तरह का करते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनके साइज बड़े होते हैं, स्पीड फास्ट होती है, प्रोसेसिंग गति फास्ट होती है, स्टोरेज कैपेसिटी फास्ट होती है, एक समय में एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं, और वर्ड लेंथ 32 बिट्स के लगभग होती है, इससे भी अधिक हो सकती है। मिनी कंप्यूटर अभियांत्रिकी वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए काम में आते हैं। इनके जो हैं उदाहरण हैं जैसे PDP-12 है, TDC-326 है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये साइज में बड़े, गणना गति तीव्र, भंडारण क्षमता अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सामान्य उपयोग कंप्यूटर भी कहलाते हैं। मेन फ्रेम का अर्थ है बड़ा, जिनके लिए अत्यधिक प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। इनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर CPUs भी होती हैं और एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में IBM 360-370 सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े तीव्र फास्ट प्रोसेसिंग वाले होते हैं। इनमें जो है गति इनकी पहले MIPS में होती थी, अब आजकल FLOP पे होती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक है। उदाहरण के रूप में है जैसे इनका उपयोग मौसम के पूर्वानुमानों में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, रक्षा अनुसंधान इत्यादि में लेते हैं। इनका जैसे Cyber 205 है, Eliac है, परम है, कंट्रोल डेटा स्टार्ट है, इस तरह के ये कुछ उदाहरण हैं सुपर कंप्यूटर के। इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर है, जिसको हम जनरल पर्पज़ भी कहते हैं, डेस्कटॉप सिस्टम भी कहते हैं। ये जनरली सब जगह काम में आते हैं, स्कूल में, कॉलेजों में, रिसर्च इंस्टीट्यूटों में, और इन पे सभी तरह के लोग काम कर सकते हैं आसानी से। ज़्यादा इंटरनल पार्ट की जानकारी आवश्यक नहीं है, इसीलिए जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहलाते हैं। यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है, आसानी से इन पे काम किया जा सकता है। इनकी मेमोरी तीव्र है, स्पीड फास्ट है, और सबसे बड़ी बात है पोर्टेबल हैं, इकोनॉमिकली हैं, आसानी से लोग इनको खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
तो इनका उपयोग पूरे उसमें पूरे हर क्षेत्र में इनका उपयोग हो रहा है। इसीलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इनके जैसे पीसी है, पीसी एक्सटी है, पीसी एटी है, पेंटियम P1 P2 P3 P4 है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, इस तरह के कंप्यूटर हैं जो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। अब कंप्यूटर को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसके हार्डवेयर समझें, सॉफ्टवेयर समझें। तो हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरीज हैं, प्रोसेसिंग यूनिट हैं, कैबिनेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, मदरबोर्ड हैं, पीसीबीज हैं, कैबिनेट है, ईटीसी जो भी हैं, बोल्ट हैं, नट हैं, ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। यानी जिनको हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाते हैं। जिनका कोई भौतिक अस्तित्व हो, आकार हो, वो जैसे इनपुट आउटपुट में ले लें हम, कीबोर्ड है, माउस है, डिजिटाइजर है, पंच कार्ड है, पेपर टेप है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, डिजिटाइजर है। इसी तरीके से प्रोसेसर में ले लें हम, इंटर 80286 है, 386 है, 586 है, 387 है, 487 है। इसी तरीके से मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं, रैम है, रोम है, ईप्रोम है, मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक ड्रम है, एक्सटर्नल मेमोरीज में जैसे हैं मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, कैसेट है, ड्राइव हैं, पेन ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, आईसीज हैं, पीसीबीज हैं, कंट्रोल बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, मदरबोर्ड्स हैं, केबल्स हैं, बस हैं, वायर्स हैं, कनेक्टर्स हैं, फ्लॉपी ड्राइव हैं, डिस्क ड्राइव हैं, पावर सप्लाई हैं, यूपीएस हैं, सीवीटीज हैं, बोल्ट हैं, नट्स हैं, केबिन हैं, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। जिनका भौतिक अस्तित्व हो, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स हार्डवेयर के। अब सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? निर्देश हैं जो कि कंप्यूटर को किसी भी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो शो करते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन डेटास के साथ ऑपरेशन करना है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोग्राम कहलाते हैं, और प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम्स है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी किसी समस्या के समाधान के लिए, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर जो काम में आते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जनरली सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जब हम किसी समस्या के लिए, किसी गणितीय समस्या के लिए, बिजनेस की समस्या के लिए, साइंटिफिक समस्या के लिए, कोई हाई लेवल लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। यानी एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जैसे पेरोल वगैरह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल ओवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, जो कि सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर के भागों को कंट्रोल करते हैं, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है, उनको कंट्रोल करता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिंक भी करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्मिंग फॉलोइंग टास्क, डेटा ट्रांसफर एक्सटर्नल टू इंटरनल, एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, लिंक बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कंट्रोल ओवर मेमोरी, प्रोसेसर एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ट्रांसलेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में, यानी 01 में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है 01 ही समझता है। इसलिए हर प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में या वेरी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको निश्चित रूप से हमें कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइलर वो है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट, महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर क्या करते हैं? ये भी वही काम करते हैं जो कि कंपाइलर करता है, लेकिन ये कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है मशीन भाषा में। ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, इस पर सारा दारमदार है, कंप्यूटर डिपेंड करता है इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के इस महत्वपूर्ण कंपोनेंट पर, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसीजर है कि किस तरह से कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के भागों को कंट्रोल करता है, मेमोरी कंट्रोल करता है, फाइलों को कंट्रोल करता है,
ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर में जो कि यूटिलिटीज़ के लिए आवश्यकताओं के लिए लिखे जाते हैं, उनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम कह लेते हैं, जो भी कहते हैं, जो जनरली काम में आते हैं। फर्मवेयर क्या होता है? ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है विच इज़ स्टोर्ड ऑन ए चिप एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परमानेंटली। दे आर अवेलेबल ऑन फ्लैश रोम आर बाइनरी इमेज फाइल लाइक हुईज अपलोडेड बाई यूज़र। फ्रीवेयर इस तरह के होते हैं जो कि प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो कि हमें जिनके लिए हमें नेट पे कोई चीज़ कोई हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ती, यानी फ्री होते हैं, जैसे C++ है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, एक्सेट्रा। ह्यूमनवेयर क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट एम्पेसिस यूज़र कैपेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट यूज़र इंटरफेस, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस सोल्यूशन, HRMS, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम्स है, इनको परफॉर्म करने के लिए इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, सिस्टम मैनेजर्स हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं, एक्सेट्राज हैं, जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अप करते हैं। तो आज हमने ये सारा डिस्कशन किया है कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, जो कि फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है। आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।